हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मेघा चड्ढा है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अभी हम एक कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि वजाइनल इचिंग या प्राइवेट पार्ट में खुजली होना को कहते हैं वजाइनल इचिंग। तो इसका मोस्ट कॉमनली इसका कॉज होता है इन्फेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फेक्शन फंगस की वजह से रहता है। हमारे बॉडी में नेचुरल हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं, जिसको हम नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा कहते हैं। बहुत अननेसेसरली और एक्सेसिवली एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की वजह से ये फ्लोरा जो है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, वो मर जाता है, उसका पॉपुलेशन कम हो जाता है। तो जैसे ये पॉपुलेशन कम होता है, तो वो फंगस इन्फेक्शन को ग्रो करने का मौका देता है। इसकी वजह से वजाइना में इचिंग हो सकती है। दूसरे कॉजेज़ हैं, जैसे कि दूसरे इन्फेक्शन्स होते हैं, जेनाइटल हर्पीस है, क्लमिडिया, गोनोरिया, ट्रिकोमोनाइसिस। ये सब इन्फेक्शन्स की वजह से भी वजाइना में इचिंग हो सकती है, और वजाइना में इरिटेशन की वजह से भी इचिंग हो सकती है। ये इरिटेशन आपको हो सकता है जैसे कि स्वेट या पर्सपिरेशन से, यूरिन के थोड़े ड्रॉपलेट्स से, कभी कभी फीकल मैटर या जो स्टूल का मैटर होता है उससे भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन। कभी कभी ये डाइट में भी कोई इरिटेंट कंपोनेंट्स की वजह से होता है, जैसे कि कैप्सिकम, चिली, कैफीन, इन चीज़ों की वजह से भी देखा गया है कि वजाइना में इरिटेशन और इचिंग हो सकता है। तो वजाइनल इरिटेशन या इचिंग में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसको अवॉइड करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स का यूज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा पेट खराब हुआ, खांसी हुआ, ज़ुकाम हुआ, सीधा एंटीबायोटिक्स खा लिए। ये जनरली इंडियंस का ये टेंडेंसी रहता है, क्योंकि हमें हर दुकान में एंटीबायोटिक्स ऐसे ही मिल जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बिना। तो इतने सारे एंटीबायोटिक्स खा के आप जो इन्फेक्शन कॉज करता हुआ है ऑर्गेनिज्म है, उसको तो मार रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो अच्छा बैक्टीरिया होता है, आप उसको भी मार रहे हैं। तो वजाइना में जो अच्छा बैक्टीरिया है, जो हमारी सहायता, हमारी सुरक्षा के लिए है, उसको मार के आप फंगल इन्फेक्शन होने का चांस दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ एकदम अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा है कि वहाँ पे एंटीसेप्टिक लोशन, बीटाडीन, सेवलॉन, डिटॉल, इससे वॉश करना अपने प्राइवेट पार्ट्स को। उससे भी हम यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हम अननेसेसरली हमारे अच्छे बैक्टीरिया को मार रहे हैं, तो हमें वो भी अवॉइड करना चाहिए। खाली प्राइवेट पार्ट्स को प्लेन वाटर से ही वॉश करना चाहिए, या फिर जो इंटीमेट वॉशेज आजकल आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मल बॉडी सोप या सेवलॉन, डिटॉल, ये सब नहीं यूज़ करना है। और आप क्या कर सकते हैं ये अवॉइड करने के लिए? अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको वॉश करना चाहिए अपने प्राइवेट पार्ट्स को, और जब आप वॉश भी करते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि आप आगे से पीछे वाइप करें। कभी भी आपको पीछे से आगे वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका फीकल मैटर जो होता है, वो आपके वजाइना में और आपके यूरिन के अराउंड वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। यूरिन में भी इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से, तो इसीलिए वॉश करते टाइम इसका ध्यान रखिए। वॉश करने के बाद में अच्छे से वो एरिया को ड्राई करके आपको कोशिश करना चाहिए कि आप हमेशा लूज़ फिटिंग और कॉटन क्लोथ्स ही पहने। कभी सिंथेटिक मटेरियल जैसे नायलॉन हो गया या वुलन मटेरियल हो गया, जिससे और स्वेट और स्किन में इरिटेशन हो सकती है, वो मटेरियल्स को आपको पहनना अवॉइड करना चाहिए। जब हम बाथरूम जाते हैं यूरिन पास करने के लिए, तब भी हमें हमेशा वाइप करना चाहिए बिफोर गेटिंग अप, नहीं तो थोड़े थोड़े यूरिन के ड्रॉपलेट्स हमेशा आपके अंडरवेयर में लग सकते हैं, एंड उसकी वजह से ये इरिटेशन हो सकती है। और जब आप वाइप भी करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि हमेशा आगे से पीछे वाइप करना है, ना कि पीछे से आगे। अगर आपको ये इरिटेशन हो जाता है तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? खुद से आप बिना डॉक्टर के पास जाए तो इसका ट्रीटमेंट नहीं आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, जो आप ओरल मेडिसिन से ही ठीक कर सकते हैं। बहुत बार ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकता है, जो कि आपको और आपके पार्टनर दोनों को है।
मोस्टली ये मेन में एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब आदमी को भी ये इन्फेक्शन है मगर उसकी वजह से उनको इचिंग, डिस्चार्ज, ये सब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मगर अगर आप अपना इन्फेक्शन ट्रीट करें और आपके हस्बैंड को ये इन्फेक्शन है तो आप उनके साथ जब रहेंगे तो आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए ऑब्वियस बात है कि दोनों को ट्रीट करना ज़रूरी है। फॉर दीज रीजन्स हम हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये ओरल मेडिसिन से और दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करके ही ये दवाई, ये बीमारियाँ ठीक होती हैं। आई होप मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाई और आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मेरा नाम डॉक्टर मेघा चड्ढा है। आप कभी भी आकर आपको कोई और क्वेश्चन करना हो या अगर किसी प्रॉब्लम के लिए आपको कंसल्ट करना हो तो आप मेरे क्लिनिक पॉपुलर नर्सिंग होम पटना में आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।